सूबे के मुखिया के आने के सूचना मिलने के बाद ही इतना तेजी से यहाँ पर विकास का कार्य हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तेजी से विकास पहुँच रहा है न रोहतास के बस्ती कहाँ, हमको तो आप देख रहे हैं कि उनके आने से पहले रात दिन लग रहा है। विकास पुरुष के आने से पहले बस्तीपुर में विकास पहुँचाने का कहा जाए तो काम किया जाए। हमारा की बार बार यहाँ उनका आगमन हो कि हमारा स्कूल ही चमक जाए। क्या नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे विकास वहीं होगा, क्या नीतीश कुमार जहाँ नहीं जाएंगे वहाँ विकास नहीं। पिता के और स्कूल टीना लग रहा है छत हो जाए। पहले तो संभावित तिथि 2 या 3 तारीख को बताई जा रही है और संभावित तिथि जैसे ही बताई गई विकास का कार्य इतना तेजी से होने लगा कि कुछ कहा नहीं जा सकते। यहाँ पर लगातार आला अधिकारी भी यहाँ पर डेहरी के बस्तीपुर में पहुँच रहे हैं और पहुँचे भी क्यों ना, पहुँचेंगे भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार का आगमन होने वाला है। देखिए हमारी मौजूदगी अभी रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के बस्तीपुर में है और हमारी मौजूदगी यहाँ इसलिए अनिवार्य हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार का आगमन होने वाला है जो कि संभावित तिथि 2 या 3 तारीख को बताई जा रही है और नीतीश कुमार के आने के सूचना मिलते ही यहाँ किस तरीके से तैयारी किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि उधर की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं किस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है और नीतीश कुमार यहाँ पर आ रहे हैं और विकास किस कदर पहुँच रहा है वो दृश्य व तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, सुशासन बाबू कहा जाता है और नीतीश कुमार डेहरी ऑन सोन के बस्तीपुर में आने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर तेजी से विकास का कार्य किया जा रहा है वो लगातार दृश्य वो लगातार तस्वीर में अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बता दूं कि 2 या 3 तारीख को संभावित तिथि बताई जा रही है कि नीतीश कुमार आने वाले हैं और 2 या 3 तारीख को आप यहाँ आकर देखिएगा, हमारी मौजूदगी भी 2 या 3 तारीख को यहाँ रहेगी, यहाँ का तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी का दृश्य आप देखिए किस तरीके से लगातार कायाकल्प बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ये विद्यालय की तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा, राजकीय बुनियादी विद्यालय बस्तीपुर, इसके बाहर का तस्वीर मैं अभी दिखाने का प्रयास करूंगा और नीतीश कुमार जब 2 या 3 तारीख को यहाँ आ जाएंगे उसके बाद उस दिन भी मैं यहाँ का तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरीके से कायाकल्प बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जहाँ जाते हैं वहाँ विकास आता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार यहां पर आने वाले हैं उससे पहले यहां पर विकास पहुंच चुका है, विकास उचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वो तस्वीर वो दृश्य भी मैं लगातार अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा, अंदर में ही अंदर की तस्वीर भी मैं लगातार दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरीके से यहाँ पर तेज़ी से विकास का कार्य लगातार किया जा रहा है और तेज़ी से लगातार नीतीश कुमार के आने की सूचना मिलने के बाद ही लगातार यहाँ पर आला अधिकारी भी वरीय अधिकारी भी पहुँच रहे हैं निरीक्षण के लिए। हालाँकि अभी संभावित तिथि है, कन्फर्म नहीं किया गया है कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के बस्तीपुर में आने वाले हैं, अभी कंफर्म नहीं किया गया है। संभावित तिथि 2 या 3 तारीख को बताई जा रही है और संभावित तिथि जैसे ही बताई गई विकास का कार्य इतना तेजी से होने लगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उधर का दृश्य भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि देख सकते हैं यहां 2 से 3 दिन पहले हमारी जब उपस्थिति थी तो देहाती भाषा में कहा जाए तो यहां पर बालू नहीं पसरा हुआ था, लेकिन आज यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ग्राउंड में यहां पर बालू पसरा हुआ है और देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लगातार तेजी से विकास का कार्य किया जा रहा है और विकास पुरुष के आने से पहले बस्तीपुर में विकास पहुंचाने का कहा जाए तो काम किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो कार्य 1 से 2 दिन से इतने तेज़ी से हो रहे थे ये 6 महीना साल भर पहले क्यों नहीं हुआ। क्या इसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठना शुरू हो गया है कि क्या नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे विकास वहीं होगा, क्या नीतीश कुमार जहाँ नहीं जाएंगे वहाँ विकास नहीं होगा। लेकिन इन सबों के बीच स्थानीय लोगों को में खुशी का लहर है और खुशी का लहर क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा फायदे के बात तो तब है कि यहाँ पर नीतीश कुमार आ रहे हैं और विकास का कार्य तेज़ी से हो रहा है। वो दृश्य वो तस्वीर में लगातार दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी शाम के करीबन 5-6 बज रहे हैं फिर भी यहाँ पर विकास के कार्य लगातार चल रहा है। हम अंदर विद्यालय में भी जाने का प्रयास करेंगे, अंदर भी यहाँ पर कार्य हो रहा है, उसकी तस्वीर उसका दृश्य भी मैं लगातार दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बता दूं कि अभी कन्फर्म नहीं है, फिर भी कहा जा रहा है संभावित तिथि 2 या 3 तारीख को सूबे के मुखिया यहाँ पर आने वाले हैं और सूबे के मुखिया के आने की सूचना मिलने के बाद ही इतना तेज़ी से यहाँ पर विकास का कार्य हो रहा है कि कुछ कहाँ नहीं जा सकता। मैं लगातार वो दृश्य वो तस्वीर अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूँगा किस तरीके से हम अभी विद्यालय के देख सकते हैं प्रांगण में मौजूद हैं और उधर की तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूँगा किस तरीके से वहाँ पर वो जर्जर पड़ा मकान है, वो जर्जर पड़ा स्कूल है या जो भी है वहाँ पर भी काम
करने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पर भी कायाकल्प बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस विद्यालय का लगातार कायाकल्प बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से विकास पुरुष नीतीश कुमार का यहाँ पर आगमन होने वाला है और उससे पहले लगातार यहाँ पर विकास के कार्य जिस तरीके से तेजी से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके बाद तो ये लोग जरूर कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार के आने से जब इस तरीके से विकास का कार्य तेजी से होगा, इस तरीके से स्कूल का कायाकल्प बदलेगा, तो आप रोहतास जिले के नहीं बिहार के हर स्कूल में जाइए, इस तरीके का कायाकल्प हर स्कूल में बिहार का बदलता हुआ नजर आएगा। देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर लगातार दिखाने का प्रयास करूंगा अपने कैमरा स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहां पर लगातार आला अधिकारी भी यहां पर डेहरी के बस्तीपुर में पहुंच रहे हैं, और पहुंचे भी क्यों ना, पहुंचेंगे भी क्यों ना, क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार का आगमन होने वाला है। स्थानीय लोग हैं, आप कहिएगा सूबे के मुखिया आने वाले हैं संभावित तिथि 2 या 3 तारीख को कि अपना मुख्यमंत्री ना, तो ये कहना हमारा कि बार बार यहाँ उनका आगमन हो कि हमारा स्कूल ही चमक जाए। कायाकल्प पूरा एकदम बदल रहा है। बदलने दीजिए, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ हाँ, क्या गुजारिश करेंगे कि नीतीश कुमार बार बार रोहतास की हाँ हाँ बार बार हाँ कि ताकि और स्कूल टीना लग रहा है छत हो जाए। पहले तो कपड़ा का था, बहुत बढ़िया था, छत होने के बाद देखिए क्या हो रहा है उसका। तेजी से विकास पहुँच रहा है ना रोहतास के। अभी कहाँ हमको, तो आप देख रहे हैं कि उनके आने से पहले रात दिन लग रहा है कि हो रहा है काम। अच्छा, नहीं तो पहले कहाँ था, हो रहा था रात दिन करके काम यहाँ पर हो रहा है, आज हो रहा है लगता है। पहले कहाँ था, पहले नहीं था। देख, आगमन हो जाए तो अच्छा है, और उसे बार बार यहाँ बस्तीपुर स्कूल में साल में 3 बार आगमन हो जाएगी, प्रगति हो जाए इसका। बस्तीपुर के लोग चाहते हैं कि बार बार आए नीतीश कुमार। हम भी चाहते हैं, हम नारायणपुर के रहने वाले नारायण। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं और उनसे मैं लगातार बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार, सुशासन बाबू लगातार रोहतास जिला के धरती पर आएँ और खासकर बस्तीपुर में आएँ। जिस तरीके से सूचना मिलने के बाद ही, संभावित तिथि ही अभी आई है, उसके बाद ही जिस तरीके से यहाँ पर विकास का तेजी से कार्य किया जा रहा है, अगर बार बार आएंगे तो रोहतास जिले के जिस तरीके से बस्तीपुर का कायाकल्प बदलने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले 1 से 2 दिनों में यहाँ कायाकल्प भी आपको बदलता हुआ बदला हुआ नजर आएगा।